दान देने के लिए गहने खरीदने आया ठग जमशेदपुर में 6 लाख का सोना लेकर हुआ फरार। पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज। जमशेदपुर स्थित खिलाई बाजार स्थित जेएच ज्वेलर्स दुकान से करीब 6 लाख से अधिक के सोने के ज्वेलर लेकर ठग फरार हो गया। दुकानदार ने जब अपने बैग की जांच की और सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसे ठगी की जानकारी मिली। इसको लेकर ज्वेलर्स मालिक सरबजीत सिंह ने अज्ञात के खिलाफ जगसलाई थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक बुधवार को जेएच ज्वेलर्स दुकान में एक व्यक्ति आया। उसने पहले चांदी का सिक्का मांगा, इसके बाद उसने 800 रुपए का एक चांदी का सिक्का खरीदा। उसने बताया कि उसे अपने गुरुजी महाराज को दान के लिए एक सोने का सिक्का लेना है। दुकानदार सोने का सिक्का वाला बैग लेकर आया और उसे दिखाने लगा। इस दौरान उसने दुकानदार को बताया कि वह दूसरे का छुआ सिक्का नहीं ले सकता है, उसे फ्रेश सिक्का चाहिए, वह खुद अपने हाथ से देख कर लेगा। झारखंड के बासुकीनाथ में 70 ग्राम सोने का मुकुट तो देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में सोने का छठी किया दान। झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर व दुमका के वासुकीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने स्वर्ण दान किया है। प्रसिद्ध वासुकीनाथ में श्रद्धालु ने जहां स्वर्ण मुकुट दान किया, वहीं देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में सोने का छत्र दान किया है। उड़ीसा के कटक के रहने वाली राजदीप मुद्दा ने झारखण्ड के दुमका स्थित वासुकीनाथ में बाबा खोजदारी नाथ को 70 ग्राम सोने से निर्मित मुकुट अर्पित किया है। बताया जा रहा है कि मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु ने यह दान किया। वहीं देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में रांची के श्रद्धालु ने सोने का छत्र दान किया। मंदिर प्रबंधक रमेश प्रीहस्त ने इसकी जानकारी दी है। झारखंड के दुमका जिले के वासुकीनाथ में उड़ीसा के कटक के जिला निवासी राजदीप मुड्डा ने अपने पिता स्वर्गीय मोहन लाल मुड के नाम पर 70 ग्राम स्वर्ण मुकुट आभूषण वासुकीनाथ मंदिर में बाबा खोजदारी नाथ के चरणों में दान कर दिया है। श्रद्धा से ओतप्रोत भक्त ने दान किया। उन्होंने मनोकामना पूर्ण होने पर अपने पुरोहित की प्रेरणा से सुंदर नक्काशीदार एक मुकुट बाबा खोजदारी नाथ की सेवा में भेंट की। भक्त ने अपने तीर्थ पुरोहित की मौजूदगी में विधिवत पूजा अर्चना कर दान किया है। कुट्टी के रैनिया से लापता बच्चों के मामलों में रेशमी पुलिस परिजनों ने जगी उम्मीद। कुट्टी जिला अंतर्गत रैनिया प्रखंड के लोहागढ़ निवासी कमल लोहार और उनकी पत्नी नीलमणि देवी की गरीबी तथा उनके बच्चे के लापता होने से संबंधित खबर प्रभात खबर में छपने के बाद पुलिस प्रशासन की नींद खुली। बुधवार को अखबार में खबर प्रमुखता से छपने के बाद न सिर्फ अधिकारी और जनप्रतिनिधि उनके पास पहुंचे, बल्कि लापता बच्चों की खोजबीन भी शुरू कर दी गई है। इस दौरान हैदराबाद गए बेटे से माता पिता की पुलिस ने बात कराई। झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, कहां है बारिश के साथ वज्रपात की आशंका। झारखंड के उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण भागों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम का मेघ गर्जन और बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई। मौसम विभाग की ओर से इस संदर्भ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद के अनुसार झारखंड में बादल छाए हुए हैं। आज गुरुवार को राज्य के उत्तर पूर्वी मध्य और दक्षिण भाग में बारिश हो सकती है। 11 फरवरी से मौसम शुष्क रहेगा। फिर 13 फरवरी से पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जिसका असर 16 फरवरी से झारखंड में दिख सकता है। इस दिन से फिर झारखंड में मौसम का मिजाज बदल सकता है और बारिश हो सकती है। अफवाह फैलाने वालों की जानकारी देने की हजारीबाग पुलिस ने की अपील, कहा पहचान रखी जाएगी गुम। हजारीबाग पुलिस ने लोगों से अफवाह फैलाने वालों की सूचना देने की अपील की, साथ ही किसी भी तरह के झूठे वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करने को कहा है। कहा कि लोग किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, वहीं सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखे जाने की बात कही है। पुलिस ने इस संबंध में ट्विटर पर पोस्ट साझा किया है। हजारीबाग पुलिस की जिला वासियों से अपील,
सोशल मीडिया पर कई तरह के तथ्यहीन झूठे हिंसक वीडियोज पोस्ट कर समाज में अशांति फैलाने का कार्य कुछ उपद्रवी तत्व द्वारा किया जा रहा है। पुलिस द्वारा वैसे तत्व को चिन्हित कर उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि गत 6 फरवरी 2022 को हजारीबाग जिला अंतर्गत बरी क्षेत्र के दुलमुहा गांव में दो बच्चों में मारपीट हुई। इस मारपीट में एक युवक की मौत हो गई थी। इससे गुस्साए लोगों ने कई वाहनों को आग के हवाले किया। इसके बाद से स्थिति तनावपूर्ण बनी थी, लेकिन पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया था। वहीं कोडरमा के मरकच्चो में भी मां सरस्वती प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान दो बच्चों के बीच झड़प हुई थी। झारखंड की आदिवासी बिटिया अस्मिता भावना को मिस ग्लैम फेस इंडिया का ताज। झारखंड के गुमला जिले के सिसई प्रखंड की आदिवासी बिटिया को मिस ग्लैम फेस इंडिया का ताज जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। सिसई बस्ती की अस्मिता भावना ने मिस झारखंड एशिया इंटरनेशनल इंडिया 2020 का खिताब जीतने के बाद अब मिस ग्लैम फेस इंडिया का खिताब अपने नाम किया। इसके लिए 27 जनवरी को यूपी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ऑनलाइन ऑडिशन में इन्होंने बाजी मार ली और खिताब अपने नाम कर लिया।